हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव एस्पेक्ट्स। मैं आपका फ्रेंड किशन मिश्रा और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024 वेरिएंट एसटीएक्स है वेरिएंट। आज वीडियो में इसका ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। डिटेल रिव्यू मैंने मोस्टली हर वेरिएंट का इसका कर दिया है, तो आज ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको लुक्स दिखा दूँ बाहर की गाड़ी की। आप देख सकते हैं कितनी अग्रेसिव कर दी गई पहले से बात करें तो। इस वाला ये एक ऐसा वेरिएंट जिसमें आपको टॉप एंड्स वाला सारा आपको फील मिल जाएगा, चाहे आप डीआरएल का सेटअप देखें, चाहे यहाँ पे ग्रिल की बात करें, सब कुछ पियानो ब्लैक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, सारी चीज़ें मिल जाती है। इन डेप्थ नहीं जाएंगे, चलते हैं फटाफट से साइड के लुक पे। तो आपको साइड से लुक चेकआउट कराऊँ गाड़ी की, क्या ही अमेजिंग लग रही है। मेजर चेंजेस नहीं है फेसलिफ्ट में साइड से बात करें तो, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज की गई है। जैसे कि पहले यहाँ पे अलॉय व्हील्स आता था, यहाँ पे आपको फ्लेक्स व्हील्स मिल जाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल अलॉय जैसे लगते हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्हील कैप है। बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी चीज़ें ऐड भी की गई है। इंटीरियर में बहुत इंप्रूवमेंट किया गया इस वाले वेरिएंट में, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें सही दी गई है। पूरा साइड का आप लुक चेकआउट करिए गाड़ी का, क्या अमेजिंग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। फ्लेक्स व्हील्स के साथ भी बहुत ही अच्छी लग रही है। पीछे आ जाते तो आपको पीछे से दिखा दूँ, पीछे से कुछ ऐसी लगती है गाड़ी। पूरा आपको इधर से दिखाओ तो पूरा एंड टू एंड अब आपको इस गाड़ी में कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी क्लासी लगते हैं। आप देख सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल सेल्टोस वाली फील देंगे। सोनेट में भी रात के टाइम अब कोई बंदा चलाएगा इस गाड़ी को तो पता नहीं कर पाएगा कि सोनेट जा रही है कि सेल्टोस, इतनी अच्छी लग रही है वाली लाइटिंग। इधर आपको किया का लोगो, डीजल ऑटोमेटिक में जैसा मैंने बताया था, तो यहाँ पे आपको ऑटो की बैजिंग मिल जाती है, इधर आपको सोनेट मिल जाता है, पीछे भी आपको आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। आप चलते हैं अंदर की तरफ, आप ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, चलते हैं सीधा इंटीरियर में बैठते हैं, आपको चला के बताता हूँ गाड़ी चलने में कैसी, क्योंकि ये ड्राइव रिव्यू है। डिटेल भी लेंगे इसका, डिटेल रिव्यू भी आप चेक करिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा इस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं फटाफट से अंदर बैठते हैं, अब आपको पूरी गाड़ी चला के बताता हूँ कैसी है चलने में। सो गाइस, आ गया मैं इसके इंटीरियर में, आपको फटाफट से एक बार लुक चेकआउट करा दूँ अंदर का। तो कुछ ऐसा आता है, पूरा ब्लैक इंटीरियर, ज़्यादा चेंजेस नहीं है फेसलिफ्ट में इस वाले मॉडल में। जी टी लाइन और एक्स लाइन मिलते हैं, अब सारी चीज़ें करते हैं, ये सब बाद में बात करेंगे, आपको चलते चलते बता दूंगा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इसको ड्राइव में लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, 6 स्पीड आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलता है जो डीजल में है। इंजन स्पेक्स की सबसे पहले बात कर लें, चलाते हुए ही बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है आपको 114 bhp का पावर और 250 nm का टॉर्क। बाकी सोनेट से बात करें तो ये वाला अलग वेरिएंट है डीजल ऑटोमेटिक में, बाकी में आपको 1.2 और 1 लीटर का मिलता है, इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल है, वो अभी चेक करेंगे चलाने में। और सस्पेंशन में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इवन मैंने किया में भी बात किया था तो कह रहे थे वो लोग, तो वो सब चीज़ें अभी चेक हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टेयरिंग की बात कर ले तो फुल्ली लेदर रैप मिलता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ मिल जाता है जो मैं चला पा रहा हूँ, फील कर रहा हूँ काफ़ी स्मूथ है, पहले से ज़्यादा अच्छा कर दिया गया स्टेयरिंग में की रिस्पांस में बात करें तो। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं ऑटोमेटिक में है, तो ये तो मिलना ही है। इंजन आपको बता दूँ तो थोड़ा सा इसका नॉइजी है, बाकी अगर सोनेट से बात करें, डीजल इंजन मैंने किया का बहुत सारा यूज़ किया, मैंने इवन सेल्टॉस भी डीजल में चलाया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ड्रैग रेस मेरा है अवेलेबल चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे नॉइजी लगा इसका बात करें तो, थोड़ा सा कैबिन नॉइज, लेकिन अगर बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, कैबिन नॉइज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आती है। किया की गाड़ी में सब बोलना नहीं पड़ता, कैबिन नॉइज एंड ऑल का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट रिफाइंड बहुत होता है इंजन, डीजल इंजन होने के बाद भी थोड़ा सा इसमें है इशू, ज़्यादा नॉइजी है। एक बार आप इसको भगा के देखते हैं कैसी है भागने में। 3 मोड्स मिलते हैं आपको, पहले अभी नॉर्मल मोड पे, इको मोड पे, उसमें थोड़ा चलाते हैं गाड़ी को, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है इसमें भी चलने में। यहाँ पे एक टर्न है तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि स्टीयरिंग का रिस्पांस कैसा है टर्न्स में, तो आप देखते हैं आप सिंगल हैंडेड से भी बहुत ही अच्छे से आप टर्न कर सकते हैं, उसी से आपको पता चल रहा होगा बहुत ही अच्छी स्टीयरिंग है यहाँ पे। साथ साथ बॉडी रोल का भी कोई भी इशू नहीं है इस गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस तो इसमें 205 जो बता ही चुका हूँ मिलता है, उसके बाद भी अगर बात करें तो काफ़ी अग्रेसिव लुक के साथ ये गाड़ी आती है। बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से आप कंपेयर करेंगे तो इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब थोड़ा सस्पेंशन टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे स्पीड ब्रेकर्स हैं थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे चेकआउट करा दूँ। तो पहले से बात करें तो थोड़ा सा सस्पेंशन सच में इम्प्रूव किया गया है, बिल्कुल भी आपको जर्क्स एंड ऑल फील नहीं होंगे। एक बार और करते हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा, पहले से बहुत इंप्रूव किया गया है। इवन अगर सेल्टोस फेसलिफ्ट मैंने चला रखी है उसमें भी आपको इतने अच्छे सस्पेंशन नहीं मिलते, उसके भी काफ़ी स्टिफ है एज कम्पेयर टू दिस मॉडल, इसमें काफ़ी अच्छे आपको सस्पेंशन मिल रहे हैं सोनेट फेसलिफ्ट में। अब एक बार भगा के देखते हैं इसको फिर से, ये इको मोड पे भाग रही है आप देख सकते हैं, बहुत ही सही, बहुत ही सही पिकअप है,
टर्न्स एंड ऑल बहुत ही अच्छे हैं इस गाड़ी के। आप अच्छे से पूरा ओपन रोड है, इको मोड पे आप चेकआउट करिए। जो गियर शिफ्ट भी होगा ना आपको तो ज्यादा बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है, बहुत ही स्मूथली होता है। अब एक बार इसका स्पोर्ट्स मोड टेस्ट कर लेते हैं। तीन मोड्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, तो आप देखते हैं। अब स्पोर्ट्स मोड पे ले लिया है मैंने। सस्पेंशन तो यार नो डाउट काफी इम्प्रूव किया गया है। थोड़ा खाली रोड मिले तो आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट्स मोड इसका कैसा है। उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखते हैं जो फेसलिफ्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये वाला पार्ट ही बस चेंज किया गया है सोनेट के अंदर। बस ये वाला पार्ट जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी का, साथ साथ एसटीएक्स में अगर बात करेंगे आप तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल पहले की तरह नहीं मिलते हैं, पर ये वाला वेरिएंट जो है इसमें आपको जो बता चुका हूं 1.5 लीटर वाला है, इस वाले वेरिएंट में आपको मिलता है। बाकी अगर आप फैब्रिक सीट्स मिलते हैं आपको बाकी एसटीएक्स में जो बताया हूं, बट इसमें आपको सारे आपको लेदर के सीट्स मिलते हैं, वो भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छा वेरिएंट है। प्राइसिंग की बात करें तो आपको शोरूम ये गाड़ी 13 लाख की पड़ जाती है और ऑन रोड आपको 1430 या 1428 अराउंड मिल जाती है ये गाड़ी। अब एक बार स्पोर्ट्स मोड मैंने ले रखा है, एक बार भगा के देखूं कैसी है। थोड़ी खाली रोड मिली है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन है यार इसका स्पोर्ट्स मोड पे, क्या ही भाग रही है, पता भी नहीं चलेगा कब 100 चली जाएगी। 93 चली गई, बहुत ही सही इंजन है, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है किया की तरफ से, नो डाउट। सस्पेंशन की तो क्या ही बात करें, बहुत ही इंप्रूवमेंट किया गया है। अब एक बार थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला एरिया है यहाँ पे, उधर आपको लेके चलते हैं, वहां पे आपको दिखाता हूँ अच्छे से सस्पेंशन टेस्ट करके। साथ साथ ए पिलर की बात करें तो आपको पहले की तरह ही मिलता है यहाँ पे व्हाइट में। अगर आप जीटी लाइन एक्स लाइन पे जाएंगे तो वहां ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे आपको व्हाइट में मिलता है। और आपको जो ए पिलर है ये भी काफी चौड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू मैनी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे नेक्सॉन एंड ऑल, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही मिलता है जिससे आपको ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता। साथ साथ यहाँ पे आपको ये दिखा दूं ओआरवीएम की पोजीशन भी काफी अच्छी है, ये सब तो पहले की तरह ही है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा दूं आपको मैनुअल मिलता है ओआरवीएम, इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, वो आपको इसके ऊपर वाले वेरियंट से एसटीएक्स प्लस से मिलना शुरू होता है वो सब चीजें। और जैसे कि यहाँ पे आप जो बता चुका हूं वो सब चीजें जो आपको नई वाली फेसलिफ्ट में जो पूरा आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है सेल्टॉस के टाइप की, वो वाली वो सब आपको एसटीएक्स प्लस से शुरू होना मिलता है। ये वाला आपको एसटीएक्स है तो इसमें नहीं मिलता। अब यहाँ पे आपको एक बार दिखाऊं सस्पेंशन टेस्ट अच्छे से करके। इको मोड में ले लेते हैं गाड़ी को, तो आप देख सकते हैं सस्पेंशन में सच में बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है, बिल्कुल भी आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे मैं 20 पे चला रहा हूँ इको मोड पे, आप देख सकते हैं उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, आपको कभी भी वैसा स्टिफ फील नहीं होगा। सस्पेंशन में सच में बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है गाड़ी के। उधर थोड़ा सा बड़ा सा और है गड्ढा, उसमें एक बार लेके चलते हैं, उधर आपको दिखाता हूँ। सच देर की सीट्स की बात करें तो मैं बताया था, आप देख सकते हैं जो कैमल टैन कलर में है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है। और इधर आपको दिखा दूं यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इधर आपको सनवाइजर्स ऐसे कुछ मिल जाता है, टिकट होल्डर मिल जाता है। इधर भी आपको दिखा दूं यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाती है। और इधर आपको टेस्ट करके बताता हूँ, बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलने वाले हैं। इवन अगर बात करें तो सेल्टॉस फेसलिफ्ट जो आया है उससे भी अच्छा सस्पेंशन आपको इस गाड़ी में मिलता है। अब फटाफट से एक बार गाड़ी का आपको रिवर्स कैमरा चेकआउट करा देता हूँ, क्योंकि बता दूं आपको पहले इसमें इस वाले वेरिएंट आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, वो सब चीज़ें आपको एसटीएक्स प्लस से मिलना शुरू होती है। यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेते हैं इसका कैमरा का कैसा है, यहीं से एक बार रिवर्स कैमरा लेते हैं, यहीं से रिवर्स लेते हैं आपको दिखाता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कुछ ऐसा है पहले की तरह, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, पहले जैसा ही है। यहाँ पे आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाती है जो आप चेक कर सकते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे गाड़ी को घुमाते हैं, अब यहाँ पे साइड में रोकते हैं, फिर आपको स्पीकर टेस्ट करके बताता हूँ। इस वाले वेरिएंट में आपको बोस के स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, बट ये वाले जो स्पीकर्स हैं ये भी काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो इसका आपको एक बार स्पीकर टेस्ट करके बता दूं ड्राइव रिव्यू में, जिससे कि आपको पता हो जो बंदा गाड़ी ले एसटीएक्स वेरिएंट तो कैसी है उस मतलब गाड़ी के स्पीकर्स एंड ऑल सब कुछ। तो एक बार गाड़ी यहीं पे साइड में लगाते हैं और आपको स्पीकर टेस्ट करके बताता हूँ गाड़ी का। सो गाइस कर लिया हमने फोन कनेक्ट, फटाफट से आपको दिखाता हूँ इसका स्पीकर टेस्ट करके। आज मैं अपना ही सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, दूसरा का सॉन्ग प्ले करने से कॉपीराइट आ जाता है, तो स्टार्ट करता हूँ सॉन्ग को, आपको सुनाता हूँ कैसा है। अभी 14 पे है, इसको फुल पे ले जाते हैं। तेरी यादें बनती है मुझे, मेरे दिल में चुना
सो गाइस नो डाउट काफी अच्छे स्पीकर्स आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाता है। आपको बोस के स्पीकर्स वाला ही फील मिलेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें बोस के स्पीकर्स नहीं है। सच बताऊं तो आपको बेस की बात कर ले चाहे ट्रेवल की बात कर ले, हर चीज आपको बहुत अच्छा मिलता है इस वाले स्पीकर्स में भी। नो डाउट सारी चीज आपको इस गाड़ी में काफी अच्छा मिलता है, इंजन भी बहुत पावरफुल मिलता है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, तो ये गाड़ी आपको एक्सशोरूम मिल जाती है लखनऊ में 13 लाख में। और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है लखनऊ में 14,95,000, मतलब 15 लाख में आपको ऑन रोड मिल जाती है ये गाड़ी, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो मुझे काफी पसंद आई गाड़ी का, चला के भी देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आई गाड़ी चलाने में। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये वीडियो और गाड़ी, और वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय।